वहीं लखनऊ से खबर, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को श्रीराम चरण पादुका के विधि विधान से पूजा अर्चना करके श्रीराम कर्मभूमि रथ यात्रा को रवाना किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने साधु संतों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से श्रीराम चरण पादुका की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गंगा जल से यहां आचमन की श्रीराम चरण पादुका पर पुष्प अर्पित करके भगवान श्री राम के से लोक कल्याण की कामना की। और बता दें कि यह यात्रा अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी विधि विधान से श्रीराम चरण पादुका की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने नारियल फोड़कर श्रीराम चरण पादुका रथ को रवाना किया। इससे पहले साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्रीराम पर आधारित एक पुस्तक और गंगाजल भेंट किया।